दोस्तों, इस वक्त पूरा विश्व कोरोना महामारी की चपेट में है। दुनिया के कोई भी देश इससे अछूता नहीं है। भारत सहित पूरी दुनिया में काम धंधों पर बुरा असर पड़ा है। लाखों कंपनियां बंद हो चुकी हैं और करोड़ों लोगों की जॉब चली गई है। दुनिया के लगभग सभी बड़े देश आर्थिक मोर्चे पर संघर्ष कर रहे हैं। सभी बड़े देशों की GDP नेगेटिव हो चुकी है। दुनिया भर में सभी देशों की आर्थिक गतिविधियों पर नजर रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था CEIC ने सभी देशों की अप्रैल से जून के क्वार्टर की GDP ग्रोथ लिस्ट जारी कर दिया है। इस लिस्ट में लगभग सभी बड़े देशों की GDP पर कोरोना का नकारात्मक असर दिख रहा है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको दुनिया के 10 सबसे बड़ी GDP वाले देशों पर कोरोना के नेगेटिव असर के बारे में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सच्ची खबर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, दुनिया की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में GDP ग्रोथ पर कोरोना के असर के मामले में चीन 10वें नंबर पर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस चीन से कोरोना फैला, आज उसी देश में सब कुछ ठीक हो चुका है। आज पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, जबकि चीन में जनजीवन फिर से सामान्य हो चुका है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अप्रैल से जून तक की GDP का ग्रोथ। दोस्तों, चीन की GDP 15.269 ट्रिलियन डॉलर है और यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। चीन से कोरोना की शुरुआत होने के बावजूद भी इस देश की GDP पर इसका असर ना के बराबर पड़ा है। अप्रैल से जून के तिमाही में चीन की GDP ग्रोथ 3.2% की रफ्तार से बढ़ी है, जो बताता है कि चीन इस महामारी से उबर चुका है। हालांकि जनवरी से मार्च की तिमाही में चीन की GDP ग्रोथ -6.8% थी, जो उसका अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन भी है। दोस्तों, इस लिस्ट में 9वें नंबर पर है दुनिया के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका। यह देश COVID-19 से सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहाँ कोरोना पेशेंट्स का आंकड़ा 67 लाख से भी ज्यादा है। बात करें अमेरिका की GDP की तो यह 22.321 ट्रिलियन डॉलर है, लेकिन COVID-19 के कारण अप्रैल से जून 2020 की तिमाही में अमेरिका की GDP ग्रोथ -9.1% की रफ्तार से नीचे गिरी है, जो अमेरिका का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन है। दोस्तों, नेगेटिव GDP ग्रोथ के मामले में 8वें नंबर पर है जापान। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जापान की GDP 5.413 ट्रिलियन डॉलर है, लेकिन अप्रैल से जून 2020 के क्वार्टर में जापान के GDP के नीचे गिरने की रफ्तार -10.1% रही है। हालांकि इस साल के शुरुआत से ही जापान की GDP को झटके लगने शुरू हो गए थे। जनवरी से मार्च की तिमाही में जापान का GDP ग्रोथ -1.9 रहा था। दोस्तों, भले ही जर्मनी नेगेटिव GDP की इस लिस्ट में 7वें स्थान पर है, लेकिन असल में यह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जर्मनी की GDP 3.982 ट्रिलियन डॉलर है, लेकिन दूसरे बड़े देशों की तरह इस देश पर भी कोविड महामारी का असर पड़ा है और इसकी तेजी से बढ़ रही GDP ग्रोथ की रफ्तार न सिर्फ थमी है, बल्कि पॉजिटिव से नेगेटिव में चली गई है। अप्रैल से जून की तिमाही में जर्मनी की GDP ग्रोथ -11.3% की रफ्तार से नीचे आई है। हालांकि जनवरी से मार्च की तिमाही में भी जर्मनी की GDP -2.2% की नेगेटिव रफ्तार से नीचे जा रही थी। दोस्तों, दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ब्राजील की GDP 1.893 ट्रिलियन डॉलर है। जनवरी से मार्च के क्वार्टर में -1.4% की रफ्तार से नीचे जा रही ब्राजील की GDP ग्रोथ कोविड के कारण और भी तेजी से नीचे जाने लगी। यही कारण है कि अप्रैल से जून की तिमाही में ब्राजील की GDP ग्रोथ -11.4% थी, जो अब तक का उसका सबसे खराब ग्रोथ है। दोस्तों, भले ही कनाडा दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी GDP वाला देश है, लेकिन अप्रैल से जून की तिमाही में 5वां सबसे नेगेटिव ग्रोथ वाला देश भी बन गया है। कनाडा में जनवरी से मार्च तक हालात काबू में थे, लेकिन अप्रैल से जून की रिपोर्ट बताती है कि कनाडा की GDP ग्रोथ -13% की रफ्तार से नीचे गई है। यह कनाडा के भी अब तक की सबसे खराब नेगेटिव ग्रोथ है। दोस्तों, जनवरी से मार्च के बीच चीन के बाद अगर कोविड का दूसरा सबसे खतरनाक शिकार बना था तो वो था इटली। कोरोना ने विश्व के बेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटी वाले इस देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमर तोड़ कर रख दी थी। 2.013 ट्रिलियन डॉलर के साथ इटली दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी GDP वाला देश है, लेकिन नेगेटिव ग्रोथ के मामले में यह 4थे नंबर पर है। अप्रैल से जून के बीच में इटली की GDP 17.7 की रफ्तार से नीचे गई है। हालांकि इसकी शुरुआत जनवरी से मार्च के क्वार्टर में ही हो गई थी।
जब इटली की जीडीपी ग्रोथ -5.5% तक पहुंच गई थी। दोस्तों दुनिया की छठी सबसे बड़ी जीडीपी फ्रांस को भी कोरोना की मार पड़ी है। 2.771 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था वाले इस देश की जीडीपी जनवरी से मार्च के बीच में -5.7% थी, लेकिन अप्रैल से जून के बीच यह -18.9% की रफ्तार से तेजी से नीचे जाने लगी। जाहिर सी बात है यह फ्रांस का भी सबसे खराब जीडीपी ग्रोथ है। दोस्तों सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के मामले में सातवें पायदान पर मौजूद यूनाइटेड किंगडम सबसे नेगेटिव ग्रोथ के मामले में दूसरे नंबर पर मौजूद है। ब्रिटेन की जीडीपी 2.744 ट्रिलियन डॉलर है, लेकिन अप्रैल से जून की तिमाही में इसने अपना अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन किया है। इस तिमाही में ब्रिटेन की जीडीपी ग्रोथ -21.7% की रफ्तार से नीचे गई है। हालांकि इसकी शुरुआत भी जनवरी से मार्च के क्वार्टर में ही हो गई थी, जब यूके की जीडीपी की ग्रोथ रेट -1.7% थी। दोस्तों पहली बार मुझे यह बताते हुए दुख हो रहा है कि इस लिस्ट में पहले स्थान पर है हमारा प्यारा देश भारत। दोस्तों हम हर फील्ड में अपने देश को पहले स्थान पर देखना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी फील्ड हैं जहां हम चाहेंगे कि हमारा देश सबसे आखिरी पायदान पर हो, और यह फील्ड भी उन्हीं में से एक है। दोस्तों भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसकी जीडीपी 3.202 ट्रिलियन डॉलर है, लेकिन कोरोना के कारण लंबे समय तक हुए कंप्लीट लॉकडाउन का हमारे देश की जीडीपी ग्रोथ पर बहुत बुरा असर पड़ा है। पहले से ही संकट के दौर से गुजर रही भारत की अर्थव्यवस्था जनवरी से मार्च तक -3.1% की रफ्तार से नीचे जा रही थी, लेकिन लॉकडाउन में सारी आर्थिक गतिविधियां बंद हो जाने के कारण जीडीपी ग्रोथ की रफ्तार -23.9% की रफ्तार से तेजी से नीचे जाने लगी। कहने की जरूरत नहीं है कि यह भारत का अब तक का सबसे खराब ग्रोथ है। दोस्तों अभी वर्तमान स्थिति को देखते हुए कहीं से भी जीडीपी के प्लस में आने की उम्मीद नहीं है। दोस्तों ये तो थी दुनिया के 10 सबसे बड़े जीडीपी वाले देशों की हालत, लेकिन अगर हम बिना कंडीशन लगाए ग्लोबल स्तर पर जीडीपी की नेगेटिव ग्रोथ चेक करें तो सबसे बुरी हालत चीन प्रशासित क्षेत्र मकाओ की है। मकाओ भी हांगकांग की तरह ही एक देश है जिसका अपना संविधान है, लेकिन चीन ने उसे अपने अंदर में कर रखा है। दोस्तों मकाओ की जीडीपी 54.545 बिलियन डॉलर है, लेकिन जनवरी से मार्च तक उसका ग्रोथ रेट -48.7% था, जबकि अप्रैल से जून तक सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए -67.8% की रफ्तार से नीचे गया है। इसके अलावा दक्षिण अमेरिकी देश पेरू का भी जीडीपी ग्रोथ अप्रैल से जून के बीच में -30.2% रहा है। हालांकि पेरू एक छोटा देश है और इसकी जीडीपी महज 240.175 बिलियन डॉलर है। दोस्तों इस वीडियो में बताया गया सारा डेटा 10 सितंबर 2020 तक का है और वीडियो में मौजूद सारे आंकड़े सीईआईसी की वेबसाइट से लिए गए हैं। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले। चैनल पर नए हैं तो सारी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।